मैं क्यों ये वीडियो देख रहा हूँ यार। गिटार। नमस्ते, मेरा नाम राजगोपाल होता और राजकोर में एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। तो आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है वॉचिंग वर्स्ट प्री वेडिंग वीडियोस। तो ये स्ले पॉइंट की तरफ से फाइनली आई थिंक 3-4 हफ्ते या एक महीने पहले एक नई वीडियो आई थी कि इस बार क्या है कि ये लोग ना सबसे घटिया प्री वेडिंग जो वीडियोस होते हैं ना, जो शादी से पहले शूट करते हैं, वो वाले ये वीडियो देखेंगे और देखते हैं किस किस टाइप का प्री वेडिंग वीडियोस होता है और कितना वर्स्ट और कितना बेकार होता है देखते हैं, और इनको क्यों बेकार लगता है, इनका क्या रिएक्शन होता है देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं होता पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। अगर तुम स्लेव पॉइंट उर्फ अबुदय और गौतमी के बहुत बड़े फैन हो, इनके रोस्टिंग वगैरह वीडियोस देखना पसंद है मेरी तरह, और इसके बाद रिएक्शन वीडियो भी देखना पसंद है मेरे चैनल पर नहीं हो, तो प्लीज़ मेरा पूरा रिएक्शन वीडियो देखना। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मेरा रिएक्शन पसंद आएगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? और सबको हैप्पी समर, अब गर्मी आने ही वाली है, आ ही रही है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट पढ़ लेता, वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के लेट्स गो। तो गाइस, मैं अब कभी शादी नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ऐसी प्री वेडिंग वीडियो नहीं बनानी। रजनीगंधा खाते हो? What? पहले ना शादी की बस से एक मार्कर से रगड़ खाई सीडी मिलती थी जिसमें यही बढ़िया था, क्योंकि अब आ गए शादी अनाउंस करने वाले प्री वेडिंग वीडियो जिसमें मैरिड कपल बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो हीरो। एक ओपिनियन देना, कितना अच्छा से चल रहा था भाई, इनका एडिटर कौन है? अगर ये लोग खुद ही एडिट करते तो सल्यूट है भाई, या इसके एडिटर को सल्यूट है। एक कोई वीडियो में गौतमी बोल रही थी चल वीडियो एडिट कर करके, तो बैठ के मैं मरीज जैसा बन गया करके वीडियो एडिट कर रहा था, क्लिक कर रहा था ना भाई वो सीरियसली। वो प्री वेडिंग जो अबुदया का शादी ऐसे होगा करके जो मतलब एडिट कर रहा था ना प्री वेडिंग वीडियो वाला, वो अच्छा था। और जैसे यूं गौतमी की चुक है, इससे अच्छा तो यही बढ़िया था करके मैं एक सेकंड के लिए हिल गया भाई, सच बोलूं अच्छा है। पॉइंट बनते हैं बस बिना एक्टिंग। रजनीगंधा खाते हो? बॉलीवुड के रोमांटिक हीरो हीरोइन बनते हैं बस बिना एक्टिंग। रजनीगंधा खाते हो? व्हाट? और बिन रोमांस की। अरेंज मैरिज हुई है तो फीलिंग्स आ ही नहीं रही असली। अरे मूवी के सीन रिक्रिएट हो रहे हैं अब भाई। प्रपोज नहीं, LBW के लिए अपील कर रहा है। खाई है नीचे, अब कट बोल दे। शादी से पहले ये बस एक वीडियोग्राफर बुला लेंगे जो बस बोलता है भागो। हर कपल को एक कुत्तों की तरह भगा रहे हैं, इधर भागो उधर भागो, लेफ्ट से राइट से, जो जीता शगुन के पैसे उसके अकाउंट में। तो इतना उसेन बोल्ट नहीं भागा कभी। हेल्दी दूल्हे को शेरवानी में फिट कराने के और भी तरीके हैं। इतने पैसे लेते हैं वेडिंग फोटोग्राफर बस एक वर्ड की स्क्रिप्ट लिखने के लिए। भागो सर, भागो सर, अभी तो 15 किलोमीटर बाकी है सर। सर रोमांटिक स्माइल, शादी है सर, प्यार में लगो प्यार में। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC प्लीज हेल्प मी, इसका भी सांस फूल रहा है। इतना कम स्टैमिना वाला पति, याक सात फेरे क्या, ये तो 3 में ही बोलेगा टाइम प्लीज। संगीत का हुक स्टेप भी ICU में करेगा फालतू इंसान। शादी फिक्स होने के बाद भी लड़की के पीछे भागना है तो क्या फायदा? और किसी की जबरदस्ती शादी हो रही हो तो एंड भागो, मेरा पिछवाड़ा करे तेरे से भाग। अरे साथ में भागना था। अच्छा मौका मिल गया भाई, वो चुड़ैल का दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड में आ रहा हूँ तेरे पास, गर्लफ्रेंड में आ रहा हूँ तेरे पास। तो मैम ये वीडियो में प्री वेडिंग लिखूं कि प्री डिवोर्स? प्री चप्पल। ये वेडिंग वीडियोग्राफर्स ना रोमांस के नाम पे कपल से कुछ भी करवा देंगे। अबे ऐसे लग रहा है ये कपल है? नहीं, उसके मुंह में पूरी कनेक्टिंग पाइपलाइन बिठा के पियो। वेरी टेस्टी। पानी मुंबई से दिल्ली जा रहा है बैंकॉक होते हुए, गीजर में गरम करके चाहिए अंकल को। 5 सीटर होते हुए भी बोनेट पे बैठने को रोमांस कहते हैं? बस एक ब्रेक और आंटी कोई सिंपल सा क्यूट सा रोमांटिक मोमेंट करो। नहीं, फोटोग्राफर्स इनको एक दूसरे पे कुदवाएंगे, नाव में चुम्बी करवाएंगे। आई एम अंडर द वाटर करवाएंगे जैसे इनके ससुर रोहित शेट्टी है। और ये फोटोग्राफर्स बोले बीवी का हाथ तो सब पकड़ते, आप थोड़ा कुछ यूनिक सर। ये पकड़ लेता हूँ। आई हेट माई माइंड यार, सीरियसली। रचित रू को कौन कौन जानते हैं, उसका भी लाइव स्ट्रीम देखते हैं, मैं देखता था, वो भी ऐसे ही बोलता भाई, मैं भी कुछ इसी टाइप का मतलब
पीछे से नहीं यार, मैं क्या बोलूं, ऐसी कुछ इमेजिन कर रहा था करके, मेरे को लगा वैसे तो नहीं करते लोग, बट ये रियल में किसने करवाया यार, क्या फोटोग्राफर बनेगा रे तू या वीडियोग्राफर। और मैडम आप करो पूरी माँ, एग्जैक्टली वही पे डंडा बजाएगी आपकी माँ। दुल्हन बहन पाँच दिन के हाथ पे बस, प्री वेडिंग तो तेरा भी हो चुका है साइमन के साथ। यार मैं बार बार क्यों पॉज कर रहा हूँ, पर मजा इतना आ रहा है। ओए यार ये बर्थडे वाला व्लॉग भाई, ये सीन एक नंबर था। सर आप ना हीरो की तरह घोड़ा चलाओ, पर बेचारे दूल्हे को आता ही नहीं। सर पे मुंह मत, डायरेक्टर भी हंस रहा है। अरे वेलकम के उदय शेट्टी, ये घोड़ा पक्का इसकी एक्स ने भेजा है। घोड़े का जब तक मूड बनेगा, मंडप पे 6 शादियां हो चुकी होंगी भाई। स्ट्रेट नहीं तो एल शेप में चला के देखो, घोड़ा है ना। और मैडम आप भाग के कूदो और सर आप कैच करना, ठीक है, एक्शन। हाय हाय, $30,000 का नुकसान बिना मून के, अब क्या ही हनीमून। चलो फ्यूचर में बच्चों की स्कूल की फीस, उनको आईफोन दिलाना, सबका खर्चा आज ही बच गया। कैमरामैन चलो मैं रेडी हूं शूट के लिए, आ जाओ फुल रेडी, कुछ भी करवाओ आप। ना फटेगी, ना फटने देंगे सबसे। अब कौन मेकअप करेगा, मुंह धोएगा, शेव करेगा। फोटोग्राफर्स बोले वो गोबर दिख रहा है, हाँ उसी को ओयो बना दो। किसकी शादी है वो तो दिख ही नहीं रहा। ओ एक्चुअली मैं और जानवी कपूर हैं। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिस्किट को चाय में डुबा के और पार्टनर को गोबर में डुबा के खाएं, ज्यादा टेस्टी लगता है। प्रॉप्स एंड सेट डिजाइन बाय फैसियन गैंग। पूछेंगे बीच हो गया, पहाड़ हो गया, तो आपकी हॉबी क्या है? जिम। चलो उसी को ओयो बना दो। डंबल उठाते हुए, हस्बैंड वाइफ ऐसे ही तो जिम करते हैं। कैलोरीज नहीं, पूरे जिम की जलाने आए हैं। ट्रेडमिल, ऐसे कौन करता है ट्रेडमिल? अरे डायरेक्टर का फोन हो गया भाई, चप्पल उतर गई भाई, लग रहा है रोमांटिक भाई, लग रहा है रोमांटिक। कट बोल दे डायरेक्टर, कट बोल दे। पत्नी को बोझ बना दिया, वाओ। फिर ये इंस्टा पे डालेगा, आज बहुत हैवी वेट मारा साले, मोटी बोल रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैडम आप अपने संगीत पे क्या परफॉर्म करेंगी? ज़ुम्बा, चावा शावा पे एरोबिक, ये सुहागरात के दूध में भी प्रोटीन पाउडर डालेंगे। क्या बॉडी बिल्डर कपल की हल्दी हुई है भाई, ये 7 फेरे इतने लंबे लगा के घूमेंगे। हार दुल्हन को पहनाना होता है, रात को बर्न कर लेना बेटा, अब शादी कर लो। फिर प्री वेडिंग फोटोग्राफर्स ने सोचा, डॉक्टर्स की शादी है, इनका रोमांस कहाँ होगा? ऑफ कोर्स ऑपरेशन थिएटर में, पेशेंट की बॉडी काटते हुए। ये बहुत ज्यादा हो गया यार, मेरे को जिम वाला इतना क्रिंज लग रहा था, और उससे भी पहले जो क्रिंज था वो जो गोबर वर्ड यूज किया, पता नहीं क्यों हर चीज अजीब लगता है वहां, एक तो इतना अजीब लग रहा था, चलो वो कोई बात नहीं। फिर जिम में अलग से एक, भाई मैंने भी पता नहीं देखा कहीं, तो इंटरनेट टीवी का जमाना चल रहा है आजकल इंटरनेट का वो, और ये उससे भी ज्यादा और क्रिंज लग रहा है भाई, रियल लाइफ में क्यों दिखा रही हो ये सीन, बताओ यार। डेट रेड वाइन नहीं लाल खून है वो, इंसान का शरीर कट रहा है, क्या फील आ रही है? अरे नीचे भी देख लो सस्ते आशिक, नी ऑपरेशन में मेरा पेट क्यों कटा हुआ है? अरे बेबी इसका किडनी स्टोन निकालना था ना। डन, तुम्हें भी यहाँ से जो चाहिए उठा लो। के बाद आपकी शादी में बहुत लोग आएंगे, पर हॉस्पिटल में नहीं। और वेडिंग फोटोग्राफर्स के हिसाब से डॉक्टर्स कैसे रोमांस करते हैं? ऑफ कोर्स रेड पेन से नसें बना के, घर जाके वो डेटॉल से धोते बैठे, फिर भी क्या मेहंदी बनवाई आप? ये मेरे को भाई वो विकेट लग रहा है, जो 3 विकेट आते ना एक साथ क्रिकेट मैच में, तो वो लग रहा है, नस तो किसी एंगल से नहीं लग रहा। सर्कुलेटरी सिस्टम है। बेबी झगड़ा हो ना तो तुम क्या मेहंदी बन, पेंसिल नसे बना के, घर जाके वो डेटॉल से धोते बैठे, फिर भी क्या मेहंदी बनवाई आपने? सर्कुलेटरी सिस्टम है। बेबी झगड़ा हो ना तो तुम ये वाली नस काट लेना, जल्दी मरोगी, तब तक हाथ पकड़ो, आ जाओ शादी कर लेते हैं।
और फिर है वेडिंग फोटोग्राफर्स की सेकंड फेवरेट लोकेशन, गोबर के बाद पानी। दिल डूबा दिल अरे अरे हमें अरे हट साली कैमरामैन भी खड़ा है कि हाँ पूरी एडवांस पेमेंट तो हो ही चुकी है, अभी क्या ही फायदा बचा के। ये वेडिंग वाले कपल्स को अंडर वाटर पूरा रोमांस करा रहे, वो भी विद गिटार। ये क्यों ये वीडियो देख रहे हो यार, गिटार से ज्यादा अंकल की हेयरलाइन बज रही है। बीवी ने पास दिया ये धुन सुन के, बीवी अंडर वाटर ही चेप दी ताकि बीवी को क्लियर दिखे ही ना। और ऐसा नहीं कि कपल्स को बहुत मजा आ रहा है नीमो बनने में, हर एक सांस के लिए तड़प रहे हैं वो नीचे। कितना रोमांटिक एक्सप्रेशन है, नहीं रोमांटिक, इतनी मोहब्बत। उनका ध्यान तो हनुमान चालीसा पे है। आपको पता है ना कि स्विमिंग नहीं आती है तो आप मना कर सकते थे। इंट्रोवर्ट हूँ यार, मना नहीं कर पाया। भाई डायरेक्टर के लिए माँ बहन की काली निकल रही है बुलबुले बनके। सबकी 6 से 10 मिनट की प्री वेडिंग वीडियो बनती है, इनका 1 मिनट भी नहीं पूरा हो क्योंकि फेफड़े जाम हो गए नीचे रह रहे के। यार अपने पति के फोटोज तो दिखा जो प्री वेडिंग शूट में ली थी, ये देख क्यूट है ना, सो हैंडसम नहीं। अंडर वाटर कौन सा एक्सप्रेशन मस्तर गौतम का, समझ रही हूँ मैं। अरे कोई नहीं, मैं तो वैसे भी पर्सनालिटी देखते हूँ, लुक्स मेरे लिए मैटर नहीं करते। जब आपको पानी में कुछ तो नमकीन टेस्ट आ रहा है पर पता नहीं चल रहा कि फोटोग्राफर ने किया है कि बीवी ने। और ये फोटोग्राफर्स ऐसी हरकतें कराते जो दिखने में रोमांटिक है पर है बिल्कुल डिवोर्स लायक। हस्बैंड सीरियसली कुछ काम कर रहा होता है लैपटॉप पे और बीवी है ना म्यूजिक के बिना। सुनो शीतल मीटिंग में हूँ, दे दे वापस ईयरफोन लगाए अंधी, कैमरे से तेरी सारी बकलोली दिख रही है बॉस को, लहंगे का लोन भी भरना शीतल, दे दे वापस। पति बैटिंग पे है और पत्नी मैच देखने आई है। यस बोल आउट आउट। ताली, इस पत्नी ताली क्यों बजा रही है, इसको बॉलर पे क्रश है, इसको बॉलर पे क्रश है भाई, बच के रह इससे। अरे उनकी अरेंज मैरिज हुई है, वो नहीं पहचान पा रही है अपने बंदे। है किधर? फिर कुपोषित किंग आता है वीकेंड वाले ब्लेजर में, बीवी भी फुल तैयार प्रपोज डे के लिए। दोनों मिले, बीवी बोली अरे मेरा जोमैटो वाला आ गया क्या, अच्छा नहीं ये तो मेरा पति है। फाइनली प्रपोजल के लिए वो खोलता है रिंग नहीं डोमिनोज डब्बा, 300 रुपए का मीडियम चीज बर्स्ट भी नहीं। एक दूसरे के मुंह में सूखा ठंडा स्लाइस ठूसते हैं और मुंह में चिकन मसाला लिए चटपटी पप्पी और कर दिया बीच पे कचरा। सेव द डेट, आज भारत वालों ने पूरी वीडियो ही सेव कर ली है भाई। इतना पिज्जा प्रेम दिखाने के बाद अगर शादी में डोमिनोज नहीं मिला ना तो देख दे, कोई पानी पूरी स्टॉल नहीं, मेरे को डोमिनोज चाहिए, कोई चाट नहीं खाऊंगा। भगवान मुझे भी ऐसी बंदी देना जो डायमंड नहीं डोमिनोज में मान जाए। हल्दी में चीजी डिप, मांग में चिली फ्लेक्स भर दू, सारे रिश्तेदार हम पे ऑरेगानो डाले। ये बेस्ट तो अभी तक खाते हो। यूनिक होने के चक्कर में कुछ भी वीडियो बना रहे भाई, किसी और चीज के लिए लिखी हुई कहानी ये शादी वीडियो में चिपका रहे। क्या शादी, ये कौन से CID एपिसोड की रिजेक्टेड स्क्रिप्ट है, गोली नहीं कपड़े में छुपा हुआ मकड़ा काट लिया है। ए पबजी लवर्स, साइबर कैफे में काउंटर स्ट्राइक खेलते हुए मिले थे क्या, बुफे के बिल में 1 प्लेट कम करना था इन्हें, हो गया खुश। अब सेंटी क्यों हो रही है, बंदा अच्छा था बस प्रपोज करने के लिए पिज्जा ले आया था। सेव द डेट, हाँ कोर्ट में गवाही देने के काम आएगी ये डेट। अब बुफे में शादी का खाना मिलेगा कि 13वीं का, ये तो पूरी बारात भी टैंक पे लाने वाले थे भाई। आई कैन टेक अ बुलेट फॉर यू, करना अरे तुम करना पागल। यहाँ लड़कियाँ आती हैं एक दुकान में, बाप की दुकान चलाने वाला लौंडा कहता है कि महिलाओं को तो हम ही दिखाएंगे, और लड़का फ्लर्ट करने के लिए कहता मैडम 3 कलर में अवेलेबल है स्पेशल डिस्काउंट, और लड़की इस आवाज को सुन के ब्लश और महिला को मेन शर्ट दिखाते हुए उनका हाथ। छेड़ो डांस मार रहे महिला हेल्पलाइन को, दे फोन कॉल, वो को प्यार हो रहा है, इनका तो रोमांस शुरू हो गया, ये पट गई, शादी हो गई, सेव द डेट। भैया छुट्टा दे दो। हाँ
दुल्हन? मैं शादीशुदा हूँ। मैं हटा, मैं हटा। चोरी हो रही है? ये वेडिंग वीडियो ही है ना? अरे मिन्नल मुरली। अबे रिटायर्ड लग रहा है। अबे बीवी अंधी थोड़ी है। वाड़े सेक्सी बॉय, मेरा पीटर ना इसकी मेरी जिन। एग्जाम में प्रोटेक्शन, इसकी नाइटी को प्रोटेक्शन, टाटा स्काई की डिश बन के खड़ा है। फेस रिवील, सेव द डे। मार्वल की मरवाली, दोस्त कंफ्यूज कि भाई थिएटर में बुलाया कि मंडप। इनकी शादी में एक्स्ट्रा गुलाब जामुन डाल लिए तो प्लेट से ऐसे छीन के कढ़ाई में वापस रखवाएगा ये। विदाई पे ये बंदी के बाप को ही पीट देगा उसको रुलाने के लिए। तो वेडिंग फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर से दरख्वास्त है कि कृपया इस टाइप की वीडियो पे ही वापस चले जाए। हमें शादी के नाम पे क्राइम पेट्रोल, भाग मिल्खा भाग, बीए पास और एक्वामैन नहीं देखना भाई। यहाँ ये छतरी से उड़ रहा है फिर भी ज्यादा सेंस है तुम्हारे आज के वीडियो से। For today, guys. बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। मैं जा रही हूँ किसी की शादी में डोमिनोज पिज्जा खाने। पर क्या तुम रजनीगंधा खाते हो? तो भाई फाइनली वीडियो खत्म। वीडियो कैसा था? बहुत मजा आया था, मैंने काफी एंजॉय किया। कहीं कहीं पे कुछ लगा होगा या पूरा वीडियो में मेरा रिएक्शन जैसा भी लगा हो, बहुत लोगों को अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। बट सच बात बोलूँ तो एंडिंग बेस्ट लगा था भाई साहब। जो मूवी नेम, मूवी के साथ जो कनेक्शन मांगा था ना हमें, मतलब प्री वेडिंग वीडियोज़ के नाम पे बाग मिल्खा बाग, एक्वामैन वगैरह और क्राइम पेट्रोल, ये सब नहीं चाहिए करके, हमारे लिए वही ठीक था। पुराने टाइप के जो होते थे वो भी अलग, मतलब क्रिंज टाइप लगते हैं। बट ये मैं सच बोलूँ तो इन्होंने ये पॉइंट सही बोला था। मैं सच बात बोलूँ तो भाई वो गोबर वगैरह जिम वगैरह यही टाइप का इतना अजीब लग रहा है, लेकिन जो पानी में डूबना हो गया और वो एक्शन सीन डिशम डिशम भाई एक दूसरे को मार के, कौन सा भाई तुमको प्री वेडिंग करना है, प्यार दिखाना है भाई, मुझे वो नहीं समझ आया था। और थोड़ा मेरे को शुरू में स्पाइडरमैन टाइप वाला ही फील आया था। पर एक ये मलयालम मूवी है, मिन्नल मुरली करके सर्च कर लेना भाई, ठीक है? वो था वैसे बोलूँ, और मैं तमिल वाला हूँ भाई, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु नॉट केरला, ओके। पर वीडियो भाई सच बोल रहा हूँ बहुत मजा था। अबुदया का परफॉर्मेंस ऐसा दुला भाई, मजा आ गया देखने में। गौतमी का भी मेरे को अच्छा लगा था भाई, सीरियसली जो पॉइंट निकाले ना इन्होंने, जो पॉइंट्स निकाले, जो ओपिनियन निकाले, ठीक था भाई सच बोलो तो। बट अगर ये सच में ऐसे बनता जो बनता होगा इसलिए, और मैंने जो बीच में बोला था कि मैं ये क्यों वीडियो देख रहा हूँ, मैं स्लेव पॉइंट का नहीं, ये प्री वेडिंग वीडियोस को देख रहा हूँ भाई। इन्होंने सोचो, मेरे को इतना क्रिंज लग रहा था इनका रोस्ट वीडियो देखते हुए या रिएक्शन भी बोल दो, तो सोचो ये लोग जब स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे, लिख रहे थे, पूरा वीडियो देख रहे थे, सोचो इनको कितना क्रिंज फील हुआ होगा यार। सेम मैं इनको सल्यूट देता हूँ, ट्रिगर्ड इंसान भी ऐसे ही है भाई, पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार। और इसके लिए देखो पहले स्क्रिप्टिंग करो, फिर उसके बाद उसी हिसाब से वीडियोज देखो, अगर रोस्ट या ओपिनियन दे रहे हो या रिएक्शन दे रहे हो करके सोचो, उसके लिए इतना तगड़ा दो तभी जाके मन में अच्छे से फील आता है। जैसे मैंने ओपिनियन वीडियो बनाया था एलवी यादव और मैक्स टून के ऊपर, तो थोड़ा बहुत अच्छा खासा नॉलेज था, इसलिए बस स्क्रिप्टिंग का प्रॉब्लम है, स्क्रिप्ट करना और एडिटिंग का प्रॉब्लम है, सब मैं ही करता हूँ वैसे, मतलब स्क्रिप्टिंग नहीं करता रिएक्शन में ओपिनियन में, बट एडिटिंग मैं ही करता हूँ हमेशा, वो एक दिक्कत होता है। बट सच बोलूँ तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छा था, मेरे को काफ़ी मज़ा आया था वैसे। और एक बात मैं बोलूँगा, इनको कंसिस्टेंसी के लिए सल्यूट था भाई। एक अभी ये वीडियो आया था, फिर कुछ ही दिन के अंदर भाई वो अंबानी का प्री वेडिंग वाला वीडियो आया था, उसके ऊपर भी इनका रोस्ट वीडियो आया था, वो भी भाई सही लगा था मेरे को यार, अच्छा लगा। अब नया वीडियो के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ओवरऑल ये वीडियो अच्छा लगा था, इसलिए मैंने इस ओरिजिनल वीडियो को लाइक कर दिया। तो उम्मीद है तुम लोगों का मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और तुम भी चाहते हो कि मैं भी अपना प्री वेडिंग कभी जब करूँ तो उसके ऊपर तुमको वीडियो चाहिए तो बोल देना, उसके लिए तो सब्सक्राइब करो, ठीक है? और तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्री वेडिंग वीडियो आगे, मतलब जब तुम शूट करो तुम्हारा ना खराब लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहना। जितने भी नए लोग सब्सक्राइब करोगे, मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, अपना तो वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? तुम भी दिखा देना, ठीक है? और चैनल के लिए मेंबरशिप ले लेना भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठा वादा नहीं कर रहा कि मैं पैसे लेके ऐसे भाग जाऊँगा। जिसने भी अगर मेंबरशिप खरीदा, एक बार कोई भी खरीद के लिए देखो, मैं पक्का इस वीडियो में या कोई वीडियो में एक तो कमेंट मैं डाल दूंगा कि ये बंदे ने खरीदा करके, और उसको अगले वीडियो में शाउट आउट भी दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर कल किसी और नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।